वेलकम फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला से डीजल मैकेनिक में। फ्रेंड, ये महिंद्रा 4018 बलाजो गाड़ी है और गाड़ी चालक का कहना है हमारा कि ये गाड़ी चलते चलते अचानक से बंद हो गई है। उसके बाद वर्नी क्रैंकिंग कर रहा है, यानी राउंड ले रहा है। तो हम आज इस गाड़ी को करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व और देखेंगे कि क्या इसमें प्रॉब्लम मिलता है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ मीटर बॉक्स के पास में, चल के मैं देख लेता हूँ कि वहाँ पर कुछ मेरे को फोल्ड कोड दिखता है मीटर में कि नहीं दिखता है। यहाँ पे मेरा चाबी ऑन है और इसमें कोई फोल्ड कोड नहीं दिख रहा है, तो मैं एक बार चाबी को ऑफ़ कर लेता हूँ और करने के बाद फिर से देखता हूँ कि मेरा कुछ इसमें फ़ोल्ड कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिससे कि पता चल सके कि कोई इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो हमारे गाड़ी चालक का कहना है कि गाड़ी रनिंग में अचानक से चलते चलते बंद हो गई, उसके बाद ओनली क्रैंकिंग कर रहा है, यानी गाड़ी राउंड ले रहा है। तो इसको हम देखेंगे और समझेंगे कि क्या इसमें हमको प्रॉब्लम मिलता है। और फ्रेंड, बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना आप लोग, और बेल आइकन घंटी को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन हमारा आपके पास मिलता रहे। तो यहाँ पर मैंने चाबी ऑफ़ करके मैं फिर से ऑन कर दिया हूँ। अब मैं थोड़ा इसको चाबी ऑन करता हूँ, यानी चालू करता हूँ गाड़ी को, चालू करने की कोशिश करता हूँ कि चालू होती है कि नहीं है। और इस मीटर बॉक्स में हमारे को कोई फोल्ड कोड नहीं मिला अभी तक। तो चलिए एक बार मैं चालू करके देखता हूँ। यहाँ पे चालू नहीं हो पाया फ्रेंड, यानी गाड़ी ओनली क्रैंकिंग कर रहा है, यानी राउंड ले रहा है। तो चलिए मैं सबसे पहले चलता हूँ वाटर सेपरेटर फिल्टर के पास में। वाटर सेपरेटर फिल्टर के पास में आकर मैं इसका नीचे का कैप खोल लेता हूँ और कैप खोल कर मैं इसमें देखता हूँ कि फ़िल्टर में पानी तो नहीं है। ये वाटर सेपरेटर फ़िल्टर है जिसमें देखना पड़ता है कि पानी अगर है गया, यानी वाटर होगा इसमें, तो हमको निकालना पड़ेगा या फ़िल्टर चेंज करना पड़ जाएगा। तो सबसे पहले मैं नीचे का कैप खोल लेता हूँ, कैप खोलकर देखता हूँ पानी है कि नहीं है। इसमें पानी नहीं है फ्रेंड, यानी हमारा फ़िल्टर सही है। तो यानी फ़िल्टर सही है तो फिर प्रॉब्लम कैसे हुआ, हमारी गाड़ी अचानक से चलते चलते बंद कैसे हो गई, इसी के ऊपर ये वीडियो है। और किसी फ्रेंड को डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रेंड को मैं रिप्लाई भी नहीं दे पाया हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था इसके लिए। तो चलिए मैं इसके हार्नेस को थोड़ा सही से लगा लेता हूँ। लगाने के बाद मैं एयर निकालूँगा, एयर निकाल कर देखूँगा कि मैं गाड़ी चालू हमारी होती है कि नहीं होती है। बहुत से कारण होता है फ्रेंड, फ्यूज भी जाती है, डीजल का भी प्रॉब्लम होता है। तो मैं इसमें सबसे पहले 12 नंबर का बोल्ट खोल के इसको अच्छे तरीके से एयर निकाल लेता हूँ। और ये फ्रेंड, इसमें अगर एयर निकालते हैं आप लोग तो इसमें दो चार बार क्रैंकिंग करना पड़ेगा, लंबा क्रैंकिंग करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि एयर जैसा। तो मैं थोड़ा अच्छा से निकाल लेता हूँ इसको डीजल इसमें से, और डीजल निकालने के बाद 12 नंबर बोल्ट को मैं फेस कर लूँगा उसको। उसके बाद मैं हैंड प्राइमर को पुश करता रहूँगा और गाड़ी चालक को बोलूँगा कि गाड़ी को क्रैंकिंग करें। लंबा सेल थोड़ा देना पड़ेगा क्योंकि BS4 गाड़ी में थोड़ा लंबा सेल लेता है एयर लेने के बाद। तो चलिए मैं 12 नंबर बोल्ट को फेस कर लेता हूँ। फेस करने के बाद मैं हैंड प्राइमर को पुश करता रहूँगा और उसके बाद अपने गाड़ी चालक को बोलूँगा कि गाड़ी को क्रैंकिंग करने के लिए, यानी चालू करने की पोजिशन में करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर पुश कर रहा हूँ, क्रैंकिंग हमारी गाड़ी चालक कर रहे हैं और देखते हैं कि हमारी गाड़ी चालू होती है कि नहीं होती है, यानी प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे मैं क्रैंकिंग कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं फ्यूल पंप दिया हुआ है, जैसे कि छोटी गाड़ियों में देता है फ्यूल पंप, वैसे ही दिया हुआ है BS4 गाड़ियों में। टाटा में अलग है, लेलन और महिंद्रा में सेम है, यानी अलग फ़र्क दिया है। लेलन और महिंद्रा का थोड़ा अलग है, मगर जो हैंड प्राइमर हम पुश करते हैं वो एक जैसा ही है। तो चलिए क्रैंकिंग करते हैं और देखते हैं गाड़ी हमारी कंप्लीट चालू होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड, हमारी गाड़ी चालू हो चुकी है। अब चलता हूँ मीटर बॉक्स के पास में, गाड़ी को थोड़ा रेस वगैरह देख लेते हैं कि हमारी रेस सही होती है कि नहीं होती है। तो फ्रेंड, इसमें ऐसा हुआ है, गाड़ी में दो तरह का प्रॉब्लम होता है एयर लेने का। एक तो जो इसका हमारा टंकी के पास में जो हमारा जाली आती है, जो मेन लाइन से वहाँ से आती है, उसमें फ़िल्टर आता है, वो फ़िल्टर चौक हो जाता है, उससे भी दिक्कत होगा।
और दूसरी की डीजल की भी प्रॉब्लम होगी। और एक और प्रॉब्लम उसमें होती है फ्रेंड, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि BS4 गाड़ी अक्सर डंकी मारने पे चालू होती है या लंबा क्रैंकिंग लेता है, तो उसमें क्या होता है, आप लोग को एक बार हैंड प्राइमर को पुश कर लेना चाहिए और गाड़ी को चालू करना चाहिए। उस पोजीशन में क्या होगा कि हमारा जो मेन लाइन है कहीं से फटा होगा, लीकेज होगा, तो ही हमारा डीजल छोड़ देता है BS4 गाड़ियों में, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम आपके पास आए तो कभी भी आप लोग मेन लाइन ज़रूर चेक कर लें। और इस गाड़ी में जो है, अभी तो मैं कुछ किया नहीं, आप लोगों ने देखा मैंने सिर्फ एयर निकाला और गाड़ी हमारी कंप्लीट चालू हो गई। तो इसमें दो से तीन प्रॉब्लम होंगे फ्रेंड। पहली चीज़ कि हमारी जो टंकी में जाली आती है मेन लाइन की, वो चौक होगा तो भी ऐसा प्रॉब्लम करेगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये कि ये डीजल की वजह से भी होगा, हो सकता है। तो अभी गाड़ी तो चालू हो चुकी है, देखा आपने, तो सबसे पहले आपको फ्यूज वगैरह देखना है। फ्यूज अगर सही है उसके बाद ही एयर निकाल कर गाड़ी को चालू करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रेस भी कंप्लीट हो रही है और गाड़ी भी हमारी अच्छे तरीके से चालू हो गई, यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय ऑल फ्रेंड।